पुनि संस्थान में आज की जो सुपर सीडर है उसका लोकार्पण हो गया है और हलका के विधायक देवेंद्र सिंह बबली जो कि हलका में पूरी तरह से अगर विधायक से पहले बात करूँगा एक वो पहले किसान है उसके बाद विधायक हैं। आज मैं एक विधायक से नहीं एक किसान से बात करूँगा। देवेंद्र सिंह बबली जी आप किसान हैं और आज आपको भगवान ने मौका दिया कि किसान के लिए एक बहुत बढ़िया मशीन जो पुनि संस्थान ने बनाई है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले हमारे जो पुनि संस्थान है जिसने हमारे टोहाणा का परचम टोहाणा में ही नहीं हरियाणा में नहीं बल्कि अदर एमपी की बात करूं राजस्थान की बात करूं पंजाब की बात करूं काफ़ी स्टेट्स में एक परचम लहराया और जो भी आधुनिक मशीनें उन्होंने किसान के हित में किसान के लिए जो उपयोगी हों वो नए आविष्कार आज से नहीं जब हम कॉलेज के स्टूडेंट्स थे तब से हम देखते आ रहे हैं। पहले फादर साहब थे हमारे भाई साहब आगे बच्चे हैं सब ने इस जो परंपरा थी इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे बड़े भाई श्री मंत पुनी जी श्री बलदेव सिंह जी श्री हमारे भाई दीप पुनी बहादुर सिंह जी मंगा सिंह जी अवतार सिंह जी ये जो मशीन इन्होंने बनाई है इसका इन्होंने बाखूबी जो जमींदारों से एक वादा किया था। एक प्राणी की एक समस्या हमारे यहाँ पैडी का एरिया है तो काफ़ी लंबे समय से थी क्योंकि किसान उसके बाद उसको आग लगाता है अपनी गेहूँ की पैदावार के लिए उससे पहले वो उसकी जुताई ना हो सकती थी किसान की भी मजबूरी थी लेकिन एक ऐसी मशीन का इन्होंने ये नई मशीन इन्होंने बना के किसानों को देने का काम किया है जो पराली को साथ ही खेत के अंदर जोतने का काम करेगी साथ में ही गेहूं की बिजाई भी इसका साथ होगी और करीबन इन्होंने पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर इनका जो लगातार करीबन 150 एकड़ के आसपास इन्होंने पिछला किसानों की ज़मीन का खुद एक डेमो दे के किसानों को कि पैदावार कैसी होगी अपनी तरफ से इन्होंने पिछले सीजन में इन्होंने डेमो दिया वो कैसा रहा प्रयास जो वो कामयाब रहा। मेरी काफ़ी किसानों से बात हुई है कि काफ़ी कामयाब प्रयास रहा इनका और अच्छे तरीके से जो भी अगर कोई छोटी मोटी पुनी सी की कोई कमी थी वो भी इन्होंने इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छी ये ड्रिल मशीन इन्होंने तैयार की है। इससे क्या क्या फायदे होंगे? देखिए सबसे पहले तो हमारा पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण में जो हम आग लगाते थे किसान की मजबूरी होती थी सरकारें भी किसानों को जागरूक भी कर रही थी कई जगह पिछले दिनों बहुत से किसानों के ऊपर जैसे पर्चे दर्ज करने की बात आई कानून ने थोड़ा सख्त रूप अपनाया लेकिन आज किसान की भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को ये मशीन बाखूबी पूरा करेगी जिससे हमारा पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहेगा स्वच्छ रहेगा और किसान भी अपनी अच्छी पैदावार इस मशीन की बिजाई के माध्यम से गेहूँ की ले सकेगा। अगर आर्थिक बेस पर बात करें आर्थिक कितनी महंगी कितनी किसान के लिए कितनी मैं कहूँ किफ़ायती है या क्या है? देखिए दो मॉडल पुनी साहब ने तैयार किए हैं एक ऑटोमेटिक मॉडल है एक मैनुअल मॉडल है इनमें 20-25 हज़ार रुपये का रेट का डिफरेंस है। बाकी सरकार की तरफ से एक अच्छी सहायता किसान को मिलेगी करीबन अगर हम एक ग्रुप बनाकर मशीन की परचेजिंग करते हैं 5-4 किसान बनाकर उनका जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उसमें 80% के आसपास सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी और जो इंडिविजुअल आदमी लेता है तो उसमें करीब मेरे ख्याल से 60% के आसपास सब्सिडी मिलेगी तो सरकार भी इसमें मदद करने का काम करेगी और इनके पुनी साहब ने भी बहुत ही अच्छी मशीन ये तैयार की इनकी तरफ से भी इसके रेट रीज़नेबल हैं और ये किसान तक पहुँचाने को काम करेंगे। किसानों का एक क्वेश्चन होता है एक सवाल होता है कि इस मशीन के चलने से उन्हें कितनी खाद डालनी पड़ेगी उनका झाड़ कम तो नहीं रहेगा इस बारे में आपका क्या? नहीं टेक्निकल मैंने इसको चेक किया जैसे हमारी नॉर्मल ड्रिल की बिजाई जब हम करते हैं मैं किसान हूँ मुझे पता है कि जो क्राइटेरिया होता है बिजाई का उसको पूरा ध्यान में रखते हुए इन्होंने साइज़ की बात है जो कूड से कूड की दूरी होती है वो 7.25 इंच पर ले आए। नॉर्मल मशीन ने मेरे ख्याल से शायद पहले 8.8 इंच होता था और भी इन्होंने थोड़ा सा उसको बढ़िया तरीके से कम करने का काम किया है और खाद की ड्रिल भी साथ होती है बीज भी साथ में ड्रिल होगा तो ये इसकी जो उपज है मैं ये मानता हूँ कि वो नॉर्मल जैसे हम किसानी में पराली को फूंक कर 4-4 5-5 जुताई करके ज़मीन की फिर भी जाई करते थे उससे डीजल भी सेव होगा इससे डीजल भी बचेगा ये एक बार में ही सारा काम करेंगे। तो क्या इसमें किसान को खाद की सहायता मिलेगी पराली जो दबाने से? हाँ पराली वो बेसिकली जो हमारे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हम जो खाद तैयार करते थे हमारे गाय भैंसों का रूढ़ी जिसको बोलते थे ज़मीन में गड्ढा खोद कर रूढ़ी भी होती थी उसमें घास पत्ते सब कुछ डाल के थोड़ा पानी छोड़ देते थे तो अपने आप में गल जाता था ये ज़मीन के अंदर इसको दबाएगी जिससे जब आगे पानी लगेगा तो वो भी एक खाद का भी काम करेगी जिससे मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खाद की क्वांटिटी खेत में डालनी पड़ती थी किसान को उसमें भी उनको सेविंग होगी। थैंक यू वेरी मच। ये अभी आपने बात सुनी हलका के विधायक
किसान नेता देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने खुद इस मशीन पे प्रयोग किया है, क्योंकि वो खुद एक किसान है। उन्होंने बताया कि जब हम खेत में रोपाई करते हैं तो कहीं ना कहीं खाद की जरूरत पड़ती है, मगर जो पराली की खाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है किसान को मदद मिलेगी, उपज भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कम खर्चे में किसानों की जो है जो गेहूं की फसल करनी है उसमें मददगार होगी। अभी मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी किसान आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँगा कि किसान इस बारे में क्या सोचते हैं और किसान नेता भी हैं। ये जो सुपर सीड आज आप यहाँ सुपर सीड दें, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये 6 महीने पहला हमारे खेत में डेमो ली थी, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं जी। इसका झाड़ भी बहुत अच्छा होया, जो बराबर वाले किले दे मशीन की बाई के साथ करी थी बिजाई, उम्र 55-56 मिनट की एवरेज पड़ी, इसमें 60 और 65 मिनट की एवरेज पड़ी। सारा फूस जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बाई की जरूरत नहीं पड़ी, पुन्नी वाले डैमो करके आए थे, 60 और 65 मिनट की औसत हुई है। इब अगर मैं हरियाणवी में बात करूँ, इब थारे गांव में कितने खेतों में मशीन चलेगी? ये हमारे खेतों में सारे खेतों में चलेगी जी। तो क्या सरकार की तरफ से भी कीमत मदद मिली है? हाँ, इसमें सब्सिडी देती है सरकार 1,05,000, इसकी कीमत है 2,30,000, 1,25,000 की हमको पड़ेगी। तो आपको काफ़ी किफ़ायती लगे? हाँ, किफ़ायती, आप में बहुत फ़ायदा है। ये आप गलाड़ी जो कि बिल्कुल साथ लगता गांव है पंजाब का, उसके किसान हैं, उन्होंने बात की, उनके खेत में पिछले साल डैमो हुआ था और काफ़ी सफल रहा। उन्होंने बताया कि उनके खेत में जो अगर आम रोपाई की बजाय पुनिश सुपर सीड की रोपाई का अंतर करें तो 10 मन प्रति एकड़ के हिसाब से उनको फ़ायदा भी मिला है। और किसान से बात करना चाहेंगे, देखते हैं। अब हम बात करेंगे, जिला सोनीपत के पास एक गाँव है चिर्चमी, उनके यहाँ से आए हुए एक किसान भी हैं और प्रेस से भी जुड़े हैं। आप जब प्रेस से जुड़े हैं तो मैं समझता हूँ किसानों की बहुत सारी समस्याएं आपके जहन में होगी, तो आज जो जिस समस्या से निजात मिल रही है किसानों को, उसके बारे में, सुपर सीड के बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी यूट्यूब दर्शकों को, मीडिया कर्मियों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और उसके साथ साथ जैसे मैं किसान पुत्र भी हूँ और एक यूट्यूब दर्शकों के लिए जो है एक चैनल भी चलाता हूँ इंडियन ट्रैक्टर के नाम से, और काफ़ी लोगों की समस्याएं का समाधान हम लोग करते रहते हैं। उनको जैसे कोई इम्प्लीमेंट्स लेना तो कौन सी कंपनी का बेस्ट है उसके बारे में बताते रहते हैं। तो जैसे लॉन्चिंग के समय भी हमें भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, तो हमने देखा कि जैसे और कंपनियों के इम्प्लीमेंट्स है उनसे इसकी टेक्नोलॉजी जो है बेस्ट है, और पराली की समस्या जो है किसानों के लिए दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसान दुखी भी हैं पराली को लेकर के, और अगर जलाए तो प्रदूषण की समस्या ही बढ़ती है। तो यानी कि सुपर सीड जो है ये एक बेस्ट इंप्लीमेंट से पुन्नी कंपनी ने आज जो है लॉन्च किया है, और इसकी टेक्नोलॉजी मुझे सबसे बेस्ट लगी। मैं यूँ कहता हूँ कि अगर मैं ये बात कहूँ कि इंडियन ट्रैक्टर की कसौटी पर सुपर सीड खरा उतरता है। बिल्कुल सर, 100 की बजाय 200% खरा है ये। अभी ट्रैक्टर इंडियन से बात की, अभी मैं बात करना चाहूँगा मेरे